हेलो, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के बीच आने में थोड़ा सा लेट हो गया। सीनियर आपके भैया लोग, दीदी लोग मिलने आ गए। बीएससी पार्ट टू के बच्चे लोग आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा उन लोगों को गाइड करने में डिले हो गया। तब तक आप बैठकर जरूर एनसीईआरटी स्टडी कर रहे होंगे। आज आपका 11th क्लास का दूसरा दिन है और जो क्लास 11th है, उस 11th क्लास में चैप्टर 1 चल रहा है और आज डे 2 हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज आपको बता रहे हैं कुछ कुछ टर्म्स को डिफाइन किए हैं, मैंने करना है। एक शब्द है स्पेसीज, एक शब्द है जीनस, एक शब्द है फैमिली, एक शब्द है ऑर्डर। स्पीसीज यानी जाति, एक शब्द जीनस यानी वंश, फिर एक शब्द है फैमिली टर्म कुल। ऑर्डर गण, क्लास वर्ग, डिवीजन या फाइलम, डिवीजन या सन, और एक शब्द है किंगडम, जगत या साम्राज्य। इन शब्दों को पहले समझते वन बाय वन, तब जाकर ये सब मिल करके क्या होगा इसकी चर्चा बाद में। पहले इन शब्दों को तो जाने। तो बता दे कि स्पेसीज क्या है। इसमें से स्पेसीज पर पहले चर्चा करें। अब पहले ये भी जान लीजिए, स्पेसीज पर चर्चा तो करेंगे, जातियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अनेक जाति मिलेगा, अनेक स्पेसीज मिलेंगे, तब एक वंश बनेगा, जीनस बनेगा। अनेक जीनस मिलेंगे तब एक फैमिली बनाएगा, अनेक फैमिलीज मिलेंगे तब एक ऑर्डर बनेगा, अनेक ऑर्डर्स मिलेंगे तब एक क्लास बनेगा, अनेक क्लासेस मिलेंगे तब एक डिवीजन या फाइलम बनेगा, अनेक डिवीजन्स या फाइलम मिलेंगे तब एक किंगडम बनेगा। तो हम किंगडम को, जगत को कैसे परिभाषित करेंगे? समान लक्षण वाले अनेक फाइलम या डिवीजन के समूह को, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिविजन्स और फाइलम्स बट कंटेनिंग सिमिलर कैरेक्टर्स, सच ग्रुप ऑफ फाइलम, फाइला और डिविजन्स इज किंगडम। अनेक डिवीजन, अनेक संघों के जिसके लक्षण कुछ न कुछ समान हो, उसके समूह को किंगडम कहते हैं।
समान लक्षण वाले अनेक वर्गों के समूह को एक संघ कहते हैं। समान लक्षण वाले अनेक ऑर्डर्स के समूह को एक क्लास कहते हैं। समान लक्षण वाले अनेक फैमिली के समूह को एक ऑर्डर कहते हैं। समान लक्षण वाले अनेक वंशों के समूह को एक फैमिली कहते हैं। समान लक्षण वाले अनेक जातियों के समूह को एक वंश कहते हैं। इसको इस तरह से करें, अनेक स्पीसीज वह आपस में मिलकर एक वंश बनाएगा। अनेक वंश मिलकर के, आपस में मिलकर के एक फैमिली बनाएगा। अनेक फैमिली आपस में मिलकर के एक ऑर्डर बनाएगा। अनेक ऑर्डर्स आपस में मिलकर के एक क्लास बनाएगा। अनेक क्लास आपस में मिलकर के, यदि एनिमल है तो संघ बोलेंगे, पौधा है तो डिवीजन बोलेंगे। अनेक संघ मिलकर के एक किंगडम बनाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, अनेक जाति मिलेंगे तब एक वंश बनेगा, अनेक वंश मिलेंगे तब एक फैमिली बनेगी, अनेक फैमिली मिलेंगे तब एक ऑर्डर बनेंगे, अनेक ऑर्डर मिलेंगे तब एक वर्ग बनेगा, अनेक वर्ग मिलेंगे तब एक संघ बनेगा, अनेक संघ मिलेंगे तब एक किंगडम। मान लिया जाए कितना, तो मान लिया जाए कि जातियों की संख्या है पी, यानी पी मल्टीप्लाई पी यानी टोटल 50, पी इक्वल टू 50 स्पेसीज मिलकर के एक वंश बनाया। मान लिया पी, कुछ भी मान सकते हैं, सो एक्स मानेंगे तो मल्टीप्लाई के जैसा हो जाएगा, y मानेंगे तो एक्स वाई पढ़ लेंगे, तो मान लेते हैं इसको कुछ भी, ये मल्टीप्लाई। अनेक वंश मिला तो एक फैमिली, इस तरह से अनेक तो एक जाति क्या है, एक स्पीसीज क्या है। जाति नाम जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने रखा, टर्म स्पीसीज जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसको कहेंगे स्पीसीज या जाति, एक ही प्रकार के अनेक जीव हैं। अब हम टाइगर की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, तो मान लिया जाए बाघों की संख्या 25 है, उसमें मेल भी है फीमेल भी, मेल टाइगर फीमेल टाइगर, तो हालांकि उसका हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाकर नहीं बोल रहे हैं, बाघ बाघिन ऐसा कुछ नहीं, एक जनरल नाम यूज किया, टाइगर है। टाइगर में मेल फीमेल दोनों सदस्य है, मान लिया जाए वो 25 है, तो वो सब एक स्पेसीज हो गया, एक जाति हो गया, एक ही स्पेसीज हो गया। मानव है, जितना मानव है सब एक समान प्रकार के जीवों के समूह जो आपस में प्रजनन करते हो और फर्टाइल यंग वंस उत्पन्न करते हो। अनेक जीव है लेकिन सभी जीव एक समान है और आपस में प्रजनन क्षमता है, आपस में प्रजनन करता है और संतान भी उत्पन्न करता है, और जो संतान उत्पन्न किया वो भी अगले पीढ़ी में संतान अगला पीढ़ी दे सकता है।
तो कहने का अर्थ फर्टाइल यंग वंस, तो एक समान प्रकार के जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करते हो और संतान पैदा करते हो, फर्टाइल यंग वंस पैदा करते हो, उर्वर संतान पैदा करते हो। उर्वर संतान का मतलब क्या हो गया? वह संतान जो बड़ा होकर वयस्क होकर फिर अगला वो भी संतान पैदा करेगा, उसी को उर्वर बोलते हैं। तो एक समान प्रकार के जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड करता है, प्रजनन करता है और उर्वर संतान पैदा करता है, फर्टाइल यंगवंश प्रदान करता है, वैसे जीवों के समूह को एक स्पीसीज कहते हैं। दो अलग अलग जाति वाले जीवों में ब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग नहीं होता, प्रजनन नहीं होता। अब एक जाति हो या टाइगर, एक जाति हम ले लेते हैं स्पीसीज में टाइगर ले लिए और लायन ही ले लिए, दोनों अलग अलग जाति हैं। तो नॉर्मली नेचुरली प्राकृतिक तौर पर टाइगर का एक सदस्य और एक सदस्य लायन का हो तो उनमें प्रजनन नहीं होता। मेल टाइगर फीमेल लायन ने या मेल फीमेल टाइगर मेल लायन ने, ये आपस में नॉर्मली प्रजनन नहीं करता। एक समान जातियों के जीवों के बीच प्रजनन होता है और समान जातियों के बीच नहीं, सामान्यता नहीं होता, करवाया जा सकता है आर्टिफिशियल। तो स्पीसीज जो आपस में प्रजनन करते हो और फर्टाइल यंग वंस प्रदान करते हो, वैसे एक समान प्रकार के जीवों का समूह एक स्पीसीज होगा, एक जाति होगा। जैसे ह्यूमन का, मानव का जाति सेपियंस। अब आइए, अलग अलग जाति हो, स्पीसीज अलग अलग हो, जाति अलग अलग हो, जैसे एक जाति ले लिए टाइग्रिश, टाइगर वाला जाति टाइग्रिश, लायन वाला जाति लियो, तो टाइगर वाला जाति और ये लायन वाला जाति दोनों अलग अलग जाति है। टाइगर का जाति टाइग्रिश, लायन का स्पीसीज जाति नाम लियो, लेकिन ये दोनों आपस में मिलकर के एक ही वंश बनाते हैं जिसको कहते हैं पेंथेरा। पेंथेरा चीता का भी ले सकते हैं, पार्डस चीता लियोपार्ड का जाति का नाम है पार्डस, और ये मिल गया और एक ही वंश बना है। इसीलिए टाइगर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पेंथेरा टाइग्रिस, लायन का साइंटिफिक नेम हो जाएगा वैज्ञानिक नाम पेंथेरा लियो, चीता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पेंथेरा पार्डस। तो अलग अलग जाति के जीव लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण समान है, ये मिल करके एक वंश बनाया, जीनस बनाया। तो स्पीसीज का ग्रुप, जातियों का समूह एक वंश का निर्माण करेगा, एक जीनस का निर्माण करता है। उसी प्रकार अलग अलग अनेक वंशों के समूह, लेकिन लक्षण कुछ ना कुछ समान है, अनेक वंशों के समूह को एक फैमिली कहते हैं। जैसे टाइगर लिया बाघ, लायन लिया चीता लिए यानी लियोपार्ड, इसके वंश का नाम क्या अभी देखा आपने? पेंथेरा। इसके वंश का नाम पेंथेरा है। लेकिन बिल्ली लिया,
इसके वंश का नाम पैलेस। तो अलग अलग वंशों का समूह, टाइगर लायन वाला पेंथेरा वंश, बिल्ली वाला फेलिस वंश, मिलकर के एक फैमिली बनाएगा। ये दोनों मिलकर के एक फैमिली बनाएगा और उस फैमिली का नाम है फेलिडी। फेलिडी तो अलग अलग जातियों का समूह एक वंश कहलाया, अलग अलग वंशों का समूह एक फैमिली बनाया, एक फैमिली कहलाया, अलग अलग फैमिली का समूह एक ऑर्डर कहलाएगा। अब जैसे ये तो उदाहरण के साथ दिखा रहे हैं, जैसे उदाहरण भी दिखा देते हैं फिर से आपको। अभी क्या कहा, अलग अलग फैमिली का समूह एक ऑर्डर बनाएगा। जैसे कि एक फैमिली अभी नाम लिया ना फैलिडी। फैलिडी किसका किसका फैमिली है, तो टाइगर, लायन, कैट, लियोपार्ड, बाघ, शेर, बिल्ली, चीता, इसके फैमिली का नाम है फैलिडी। लेकिन कुत्ते के फैमिली का नाम है कैनिडी। डॉग, तो फैलिडी और कैनिडी दो अलग अलग फैमिली हैं और ये दोनों मिल करके एक ही ऑर्डर बनाएगा और उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा तो अलग अलग जाति मिलकर के एक वंश बनाया, अलग अलग वंश मिलकर के जैसे कि शेर, चीता, बाघ, ये अलग अलग जाति है, मिलकर के एक वंश बनाया पेंथेरा। अलग अलग वंश मिलकर के एक फैमिली बनाया, तो एक टाइगर लायन वाला पेंथेरा वंश और बिल्ली वाला फैलिस वंश है, ये दोनों मिलकर के एक फैमिली बनाया फैलिडी। फिर अलग अलग फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाएगा, तो बिल्ली, चीता, शेर, बाघ, इसका फैमिली फैलिडी, कुत्ते का हो गया फैमिली कैनिडी, दोनों फैमिली मिलकर के एक ऑर्डर बनाया कार्निवोरा। अब देखिए अलग अलग ऑर्डर मिलेंगे तो एक क्लास बनेगी, अलग अलग ऑर्डर को भी मिलाते हैं। एक ऑर्डर लिया अभी आपने कार्निवोरा, कार्निवोरा में कौन कौन आ गया, टाइगर आ गया, लायन आ गया, कैट आ गया, डॉग आ गया, लियोपार्ड आ गया, ये सब किस में आया, कार्निवोरा ऑर्डर में। एक और ऑर्डर लेते हैं प्राइमेटा। प्राइमेटा, प्राइमेटा में कौन कौन आएगा, बंदर आएगा, मंकी, लंगूर आएगा, एप, और मनुष्य आएगा, ह्यूमन। ये सब है प्राइमेटा में और ये सब है कार्निवोरा में। ये दो अलग अलग ऑर्डर आपस में मिल जाएंगे, मिलकर के एक ही क्लास बनाएगा, उस क्लास का नाम हो जाएगा मेमेलिया, स्तनधारी प्राणी वाला वर्ग मेमेलिया, मेमेलिया कहलाएगा। उसी तरह से अलग अलग क्लास वाला एनिमल मिल जाएगा तो वह एक संघ बनाएगा, जैसे एक हम मेढक वाला क्लास लिए, वर्ग लिए, एम्फीबिया वर्ग, मेढक वाला फ्रॉग है इसमें, सांप वाला लिए रेप्टिलिया, रेंगने वाला, पक्षी वाला लिए
एवीज यानी पक्षियां, और अभी एक वर्ग का नाम लिखा मेमेलिया, कुत्ता बिल्ली शेर बाघ बंदर लंगूर मनुष्य मेमेलिया, ये हो गया पक्षी, ये हो गया रेंगने वाला सांप गिरगिट मगरमच्छ, ये हो गया मेढक वाला वर्ग। ये अलग अलग वर्ग मिल गया, अलग अलग क्लास मिल जाएगा, मिल करके एक संघ बनाएगा। इसके मिलने से जो संघ बनता है वो है कॉर्डाटा। और ये सब चूंकि एनिमल है इसीलिए सारे संघ मिल करके एनिमलिया किंगडम कहलाएगा, जंतु जगत। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या सीखा पूर्णतः, कि समान एक जैसा दिखने वाला जो जीव है आपस में प्रजनन कर लेता है, संतान पैदा करता है, वो एक जाति हुआ। अलग अलग जातियों के समूह को वंश कहेंगे, अलग अलग वंशों के समूह को फैमिली के क्रम है, सीक्वेंस है, उल्टा पुल्टा नहीं बोला जाएगा। अनेक फैमिली मिलकर के एक ऑर्डर कहलाएंगे, अनेक ऑर्डर मिलकर के एक क्लास बनाएंगे, अनेक क्लास मिलकर के एक संघ बनाएंगे, अनेक संघ मिलकर के एक किंगडम बनाएंगे। इसमें और भी बातें आपको बताएंगे, लेकिन अभी एक सारणी बनाकर बताने का प्रयास करते हैं। क्या कहा? अलग अलग जाति स्पेसीज है, वो जाति मिलकर के क्या बना लेगा, जीनस वंश। अलग अलग वंश है, वह आपस में मिलकर के फैमिली बनाएगा, कुल घर वाला फैमिली नहीं। फिर अनेक फैमिली मिलेंगे तो ऑर्डर बनेगा, अनेक ऑर्डर मिलेंगे तो एक क्लास बनेगा, अनेक क्लास मिलेंगे तो एक फाइलम बनेगा। अनेक फाइलम मिलेंगे तो एक किंगडम बनेगा। देखिए समझ लेते हैं फिर से। टाइगर वाले जाति को कहते हैं टाइग्रिस, लायन वाले जाति को लियो, और चीता वाले जाति को पार्डस। ये सभी आपस में मिल गए और एक ही वंश बनाया, और उस वंश का नाम है पैंथेरा। ये अलग अलग जाति है टाइग्रिस लियो और पार्डस, ये तीनों जाति मिल करके एक ही वंश बनाया पैंथेरा। अब देखिए एक वंश है पैंथेरा, एक बिल्ली वाला वंश लेते हैं फेलिस, तो पैंथेरा और फेलिस मिलकर के एक फैमिली बनाते हैं जिसका नाम है फेलिडी। ये बिल्ली वाला वंश, ये टाइगर लायन वाला वंश है, दोनों मिलकर के एक फैमिली बनाया जिसका नाम है फेलिडी। फिर अलग अलग फैमिली, ये बिल्ली शेर चीता वाला फैमिली हो गया, अब डॉग वाला फैमिली लेते हैं कैनिडी। अब फैलिडी और कैनिडी मिलकर के एक ऑर्डर बनाएगा और उसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा बनाएगा। अब एक ऑर्डर है कार्निवोरा,
जिसमें देखिए ये सब आ जाएंगे, टाइगर, लायन, चीता, कैट, बिल्ली, कुत्ता, सब आ जाएगा। लेकिन एक ऑर्डर कार्निवोरा लिया, एक ऑर्डर प्राइमेटा लिया, ये दोनों ऑर्डर मिल करके बनाएंगे एक क्लास मैमेलिया, मैमेलिया बन जाएगा। अब देखिए एक वर्ग मैमेलिया है, दूसरा मेढक वाला एम्फीबिया लेते हैं, उसके बाद रेंगने वाला रेप्टाइल्स लेते हैं। रेंगने वाला जंतु, मेढक वाले वर्ग को एम्फीबिया, सांप गिरगिट वाले वर्ग को रेप्टाइल्स, और एक मेमल्स टाइगर लायन वाला बिल्ली कुत्ता वाला है ही, और प्राइमेट में आता है बंदर उंदर सब, वो भी मेमेलिया हो गया। तो एक पक्षी वाला ले लिया एवीज, तो ये मेमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और एवीज मिलकर के एक संघ बनाया, कॉर्डाटा। अनेक संघ मिलेंगे, कॉर्डाटा संघ मिलेगा, कीड़े मकोड़े वाला संघ मिलेगा, ये सारे संघ मिल करके एक ही जगत बनाएगा। एनिमल, तो बच्चों यहां पर ये समझना है कि अनेक जाति, एक जाति किसको कह दिए, समान प्रकार के जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करके संतान पैदा करें, और अनेक जातियों का समूह वंश कहलाएगा, अनेक वंशों का समूह फैमिली कहलाएगा, अनेक फैमिली का समूह ऑर्डर कहलाएगा, अनेक ऑर्डर का समूह क्लास कहलाएगा, अनेक क्लास का समूह फाइलम कहलाएगा, अनेक फाइलम का समूह किंगडम कहलाएगा। अनेक जाति मिलकर वंश, अनेक वंश मिलकर के एक कुल, अनेक कुल मिलकर के एक ऑर्डर, अनेक ऑर्डर मिलकर के एक क्लास, सॉरी हिंदी में बोल रहे थे, अनेक जाति के जीव मिलकर के एक वंश, अनेक वंशों के मिलने से एक कुल, अनेक कुलों के मिलने से एक गण, अनेक गणों के मिलने से एक वर्ग, अनेक वर्गों के मिलने से एक संघ, अनेक संघों के मिलने से एक जगत का निर्माण हो जाता है। तो आज यही थोड़ी सी बात को आपके बीच दो बार चार बार करके रखा, फिर आगे की बात को जानने के लिए, इसी से संबंधित मैटर को सॉल्व करने के लिए फिर कल अगले वीडियो में मिलेंगे। और कल जो मुलाकात होगी वो 1:40 PM, 1:40 से 1:45 PM के बीच हम लोग मिलेंगे दोपहर, जो अगला वीडियो के लिए मिलेंगे शाम में नहीं बल्कि दोपहर में मिलेंगे 1:45। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें, अच्छा करते रहें, शुभकामनाएं, बाय।
सन्नी शर्मा ने, मैंने अभी देखा चैटिंग हिस्ट्री, तो उसमें मैंने देखा सन्नी शर्मा ने लिखा है कार्निवोरा किसके अंतर्गत आता है, तो कार्निवोरा ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर के अंतर्गत, गण के अंतर्गत, उसके फीडिंग हैबिट पर लिया गया कार्निवोरस के कारण, मांसाहारिता के कारण कार्निवोरा कह दिए और वह ऑर्डर है किसका, जितने भी मांसाहारी जंतु हैं उसका ऑर्डर का नाम क्या हो गया, कार्निवोरा। बहुत अच्छा, और भी क्वेश्चन आप तैयार करके रखना वीडियो देखने के बाद, फिर हम लोग इसी चैटिंग के साथ देखेंगे, बात करेंगे। ओके।